गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इनको मुश्किल माच गई कि ये आर्य समाज के लोगों को, जनता को पता लग गया कि तुम इतने गंदे शास्त्रों को बेच रहे हो तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने वही कार्य किया जो आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी के साथ उन नकली ब्राह्मणों ने किया था। राजा और प्रजा को भड़काया, झूठी साची लगाई, दुलाहा तो झूठ बोलता है, कबीर झूठ बोलता है। कहीं पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में किसी सद ग्रंथ में नहीं लिखा, वो उनके माता पिता हैं, वो नाशवान हैं, वो तो अजरो अमर है, अविनाशी है। ये दुलाहा झूठ बोलता है, ये वेदों को नहीं जानता है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए झूठा है, कपटी है। तो उस समय तो जनता के यह बात जचगी, भैया बात तो सच्ची हो सकती है कि कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते। लेकिन कबीर जी असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार। अच्छा, जैसे आप अपना कोई पिता है, माता है, कति अनपढ़ है, सारे बालकों के नाम जाने, बच्चों के सारे बेटियां के जाने, और बच्चों के भी नाम जाने कति अनपढ़ होते हुए, चाहे वो 50 हैं उसके सारे के नाम बता देगा एक मिनट में। उसमें संस्कृत की जरूरत है, उन बच्चों के नाम से संस्कृत में लिख लो, चाहे अंग्रेजी में लिख लो, तुम लिख लो। उसने तो वो बता ही दिए, मेरे इतने बच्चे हैं, ये इतने मेरे संतान हैं, इतनी पुत्री, इतने इनके पुत्र। तो ऐसे परमात्मा ने वो सारी सृष्टि की रचना अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी थी, और वही वेद व्यास जी ने संस्कृत में लिख दी। बात वही की वही है। अब जो ये दास आपको अब कथा सुनाना चाहता है, उसकी भूमिका बनी है 1.5 घंटे में। अब चाहिए 2 घंटे और इस दास को कंटिन्यूस आपको ज्ञान सुनाओ। इब तो आपका अभी तक वो कारण फाउंडेशन बरी है, नीम बरी है मकान दर्पणान की। अपुण्यात्माओं, जैसे ये नकली संत पंथ वो कहते हैं राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, वो परम धनी का नाम है, हैं वो विश्व, ये तो अटपट कितने मार ले 2 मिनट में, 1 घंटे में नुरे सुना सुनूंगा, तुम भी राजी मैं भी राजी, हैं मैं संत को आऊँ और तुम जय जयकार करते चले जाओ। क्योंकि श्रद्धालु संत के वचनों पर अविश्वास नहीं किया करते, ये नियम है और होना भी चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की उस श्रद्धा और भावना का दुरुपयोग कर लिया लोगों ने, इन झूठे नकली संतों ऋषियों और महर्षियों ने उन श्रद्धालुओं की उस श्रद्धा का दुरुपयोग कर लिया कि कुछ भी बांट दिया एंड बैंड। श्रद्धालु आँख मींच के बैठ गए, यूँ कहते थे भाई ये कोई विवाद का विषय नहीं होता, संत जो कहते हैं वो सही होता है, हमारे समझने में फ़र्क है। अरे इसमें समझने में क्या फ़र्क है, तो बिल्कुल क्लियर लिख रखा है एंड बैंड उवा वाई बकरिया की कि शरण पैर इनके। अरे आज ये हमारे सदग्रंथ वेद आज भी प्रमाण दे रहे हैं और वही आँखों देखा संत बता रहे हैं। अब ये दास आपको कुछ ये बताना चाहता था कि एक समय पूर्ण परमात्मा जब कलयुग में आए, एक शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब बनारस काशी शहर के लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आकर सतलोक से चलकर आकर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके वहाँ विराजमान हो गए कमल के फूल पर। वहाँ से नीरू नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा उठा के ले गए और आगे चल के वो परमात्मा जुलाहा कबीर और एक प्रसिद्ध कवि कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान तो इन अनाड़ी संतों ने, नकली ऋषि महर्षियों ने भगवान को भगवान तो प्रसिद्ध नहीं होने दिया,
लेकिन कवि नाम से प्रसिद्ध अवश्य हो गया। अब वो परमात्मा अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है। ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया पवित्र वेद ऋग्वेद ने। वैसे तो यजुर्वेद में भी है यही कथा, इसी तरह की बहुत अच्छे मंत्र हैं। और अथर्वेद में तो बिल्कुल क्लियर कर रखे कि वो कबीर देव है, सारी सृष्टि का रचने वाला, सब सारी सृष्टि का, जिसने दुर्गा भी की भी उत्पत्ति की, ब्रह्म की भी उत्पत्ति की, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर है, कबीर देव है। तो वो चलकर आकर के किस किस को मिला, सबसे पहले आपको बताएंगे आदरणीय धर्मदास जी। एक बांधवगढ़ शहर है मध्य प्रदेश में, अब तो नहीं है, पहले बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, अब तो खंडर हो रहा है। वो स्थान अब भी बांधवगढ़ कहलाता है, लेकिन वो खंडर क्यों हो गया, क्योंकि धर्मदास जी का एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, इकलौता पुत्र नारायण दास, और वो था काल का भेजा हुआ दूत। काल को पता लग गया था कि ये कोई, इसके आने वाले समय में इसके यहाँ कोई भी सतलोक का संदेश देने वाला आ सकता है, तो पहले ही अपना एजेंट पुत्र रूप में भेज दिया। और पुत्र में पिता का मोह घना होता है, तो कबीर जी की वाणी को उस नारायण दास ने नहीं मानी थी। और फिर कबीर जी की कृपा से धर्मदास जी को एक और पुत्र हुआ था, जब वो 60 साल की उम्र का हो चुका था, कबीर जी के आशीर्वाद से उसका नाम चूड़ामणि रखा था। चूड़ामणि के साथ नारायण दास ऐसे द्वेष रखता था, नारायण दास श्री कृष्ण का पुजारी रहा नारायण, और वो चूड़ामणि जी वहाँ से छोड़कर उसको कुर्दमाल चले गए थे। उसके बाद वो पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो गया था, खंडर हो गया था, नष्ट हो गया था, गर्क हो गया था। ये दास उसको आंखों देखकर आया है, 8-7 भक्तों के साथ गया था। पहले वो बहुत अच्छा शहर बना हुआ था, उसमें बांधवगढ़ शहर के अंदर धर्मदास नामक एक महापुरुष पुण्यात्मा लाला जी के घर जन्म था, सेठ के घर जन्म था। और इतना सेठ बताते हैं उनके दादा और पिताजी को कि उस क्षेत्र के नवाब पर राजा पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, अकाल गिर जाता या कोई फ्लड आ जाती, तो वित्तीय सहायता लिया करता था धर्मदास के दादा और पिताजी से, धन लिया करता था अपना राज चलाने के लिए। और कहने का भाव यह है कि इतना सेठ व्यक्ति, इतना धन वाला व्यक्ति, फिर भगवान की चाह, धर्मदास जी को एक रूपदास नाम के हिंदू समाज, हिंदू ज्ञान आधार से गुरु रूपदास जी मिले। उन्होंने धर्मदास जी को बताया कि श्री राम श्री कृष्ण का जाप कर, शंकर भगवान का नाम जाप किया कर, सेंसर नामा विष्णु का जाप किया कर, गीता जी का नित पाठ किया कर, एकादशी का व्रत रखा कर और 68 तीर्थ का स्नान कर, पुत्र तेरे को स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, तेरा मोक्ष हो जाएगा। ये स्वर्ग प्राप्ति कोई मोक्ष मानते हैं? और स्वर्ग प्राप्ति तो सबसे घटिया स्थान है इस जीव के साथ, पर सबसे बड़ा धोखा है। तो धर्मदास जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के आज्ञा अनुसार, उनके बतारा दिए गए ज्ञान अनुसार, समर्पण भाव से, 60 वर्ष की उम्र होगी थी, अब सोच लिया था भाई अपना घूम फिर कर जैसे भी गुरु जी ने बताए हैं भगवान प्राप्ति करूँगा, तो वहाँ बांधवगढ़ से मथुरा में पहुँचे। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 800 किलोमीटर है, और वहाँ से पैदल चल के आई वो प्यारी आत्मा, होय होय भगवान प्राप्ति के लिए, पहले तो लाला जी, और ये दास अब गया था सन 2000 में उस बांधवगढ़ देखने के लिए। तो वहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे खंडर से हैं, अब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों के ऊपर अब तक पुल बन गए हैं, और जंगलों के अंदर से ऐसे सड़कें बना रखी हैं,
यानी अब गाड़िया में जावा तो भी डर लगे, इसे लंबे लंबे बन है उसमें, ऐसे पहाड़ हैं उनके बीच को गाड़ी की, तो इधर से तो इधर से। और वो प्यारी आत्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा के लिए उन जंगलों को पार करता हुआ और पैदल चल के उन नदी नालों को पार करता हुआ मथुरा पहुंचा भगवान प्राप्ति के लिए। तो वहाँ मथुरा में उस जोड़ में, उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी वृंदावन में, जहाँ श्री कृष्ण जी वहाँ गौ चराया करते थे और वहाँ नहाया धोया करते थे उस तालाब में, और ये बता रखा है कि उस मथुरा के तालाब में यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे और नौकरिया करते थे, उसमें स्नान करने से मोक्ष बता रखा। ऐसे ऐसे 68 तीर्थों का स्नान पर भ्रमण करने की धारणा से, उद्देश्य से, टारगेट से धर्मदास जी चल पड़ा। अब मथुरा के तालाब में स्नान किया, स्नान करके फिर कुछ स्थान लिप्या गाय के गोबर और मिट्टी से पानी मिला के कुछ सवत स्थान बनाया। स्नान करने के बाद एक लोटा भर के लाया उसी जल से, तालाब से, और श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले रखी थी, वह मूर्ति के कपड़े उतारे, छोटी सी मूर्ति, उसके धोती कुर्ता है, मुकुट वकट माला सारी रखा करते हैं कर्मकांडी, सब मूर्ति वो लोटा धर रखा पानी का भर के, कर्मकांड किया, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को नवाया धोया, नए कपड़े पहना दिए। वो परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब उसमें काशी में प्रगट थे, सतलोक से चलकर बनारस में आए हुए थे, जुलाहे का की भूमिका कर रहे थे और अपना ज्ञान भी प्रचार कर रहे थे। वहां से अंतर्ध्यान हुए काशी से और मथुरा में पहुंच गए वृंदावन में, जहां धर्मदास जी वो अपनी सुबह सुबह कर्मकांड कर रहा था, और वहां से 50 फुट की दूरी पर बैठ गए एक मुसलमान महात्मा जिंदा का रूप बना के। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं, सिर पर टोप गोल गोल सा और एक काला ओवर कोट, काला ये देखिएगा, ऐसा रूप बना के, ये ऊपर एक टोप और ये काला और एक ही और कोट है नीचे तक होता था, धोती धाती सारी एक है, ऐसे ऐसा वो टोप ऐसा ऊपर ऐसा होता था कैप, ऐसा बना कर के वेशभूषा वहाँ बैठ के धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। अब धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ किया, गुरुदेव के आदेश अनुसार गीता जी का पाठ किया, उस दिन 7वां अध्याय पूरा। ये क्या करते हैं कि प्रतिदिन एक अध्याय आज पढ़ लिया, एक अध्याय अगले दिन पढ़ लिया, कोई ज़्यादा बड़ा है तो उसके 4-5 पृष्ठ पढ़ दिए, यानी इस प्रतिदिन सब अध्याय से वो अपना कल्याण मानते हैं। अब परमात्मा उसकी सारी क्रिया देख रहा था, अब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान संत तेरी ज्ञान को सुन रहा है, तो उसने ऊँचे ऊँचे स्वर में गीता जी का ज्ञान पढ़ पढ़ कर सुनाया। धर्मदास जी ने सोचा था कि शायद इसका कल्याण हो जा। परमात्मा कबीर जी ने सारे जो कुछ ने गीता जी में पढ़ा वो सुन लिया, तो फिर कबीर जी और निकट आकर बैठ गए उसके ज्ञान को सुनने के लिए। धर्मदास जी ने फिर और भी बहुत से अध्याय के कई अध्याय पढ़े, कई अन्य श्लोक भी पढ़े जो इम्पोर्टेंट टाइप थे। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल ने कैसे विलियन का रोल किया हुआ है। हम कबीर जी के बच्चे सारे कीड़ी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और हम सभी को इस काल ने इतना फूल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है कि यही संसार है, ऐसे जन्ना मरना तुम्हारा स्वभाव है, और ये तेरी संतान, ये तेरी संपत्ति, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, बस इतना ही काम है। और फिर जब समय पूरा हो जाता है, एक सेकंड नहीं लाता उसकी मृत्यु करके
तपतशिला पर भून कर खा लेता है। अब अपने बच्चों को अपने विषय में जानकारी देनी परमेश्वर को कितनी कठिन होगी। आज आपने सुबह भी सुना था, कल भी सुनाया था कि काल की और परमेश्वर की वार्ता हुई थी। इस काल ने ये कहा था कि कलयुग में इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा कि कोई तीर्थ पूजेगा, कोई धाम पे, कोई देवी देवताओं पर उठ होगा और तेरी एक नहीं सुनेंगे। इनको इतना कर दूंगा, तेरी एक नहीं सुनेंगे और मेरी ओर होकर वाद विवाद किया करेंगे तेरे साथ। कबीर जी से कहा, जोगजीत से कहा था, जो परमात्मा जोगजीत रूप में इस काल से मिले थे। तो अब देखो परमात्मा कबीर जी वहाँ आए, अपने बच्चे को अपनी शरण में लेना चाहते थे। उसको पता था यदि मैंने ये कह दिया कि धर्मदास तू गलत साधना कर रहा है, तू ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर कह रहा है, ये अजर अमर नहीं है, तो धर्मदास एक नहीं सुने और 36 बात सुना देता और विवाद पैदा कर देता, ये मुसलमान है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं को बुरा बताता है, पंगा पा दे। परमात्मा ने एक दास का रोल कराया, निकट आकर बैठ गए। सारी जब उसने क्रिया कर ली, ज्ञान गुण पढ़ कर सुना दिया, तब परमात्मा बोले कि हे महात्मा जी, क्योंकि श्री रूपदास जी वैष्णव साधु थे, विष्णु जी के उपासक, और अब धर्मदास जी ने भी घर से जो है उस उपदेश ले रखा था रूपदास जी से, तो वैसा ही वेशभूषा बना रखी थी वैष्णव, जैसे विष्णु उपासक होते हैं ना भाई, ऐसे तिलक ला रखा था, गले में एक माला डाल रखी थी, वैष्णव साधु की पहचान थी, कंठी की एक माला, मतलब एक मणिये की माला। तो परमात्मा निकट जाकर बैठ गए, नो कहने लगे कि हे महात्मा जी, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कुछ मोक्ष मार्ग बता दो, मैं बहुत संतों के पास घूम लिया, मुझे मेरी संतुष्टि नहीं हुई, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी कोई ज्ञान बता दो, मेरा भी कल्याण हो जावे। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई जिज्ञासु आदमी है, अब लागे बताना अपना वो होगा, अगर ना लागिया कच्चा धुमा छोड़ना। क्या बताया कि मैं 68 तीर्थ का स्नान करता हुआ चल रहा हूँ और मेरे गुरुजी रूपदास जी हैं वैष्णव परंपरा से, राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी का हम जाप करते हैं और गीता जी का नित्य पाठ करने से जीव मुक्त हो जाता है और एकादशी का मैं व्रत करता हूँ। अब परमात्मा कहने लगे कि महात्मा जी नाराज मत होना, मैं कुछ शंका का समाधान चाहूँगा। धर्मदास जी बोले नहीं, बोल बोल क्या कहना चाहता है, बोल भगत। परमात्मा कहने लगे कि आप एकादशी का व्रत करने के लिए कह रहे हो, इसका कहीं प्रमाण है? कहने लगे नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया है। कबीर जी ने कहा कि जैसे आप गीता जी पढ़ रहे हो, अखान जी नित्य पाठ करते हो, नित्य पाठ करने से मोक्ष मानते हो, हाँ जी बिल्कुल सही है, मेरे गुरुजी ने बताया है, ठीक है। एक किसान था और उस किसान को एक वृद्ध अवस्था में बालक बेटे की उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उस किसान ने सोचा कि तेरी 60-65 साल की उम्र होगी, लड़का भी 5-7 वर्ष का है, तो कहीं ये आने वाले समय में अपने खेती के कार्य में मार ना खा जावे। अपना पूरा अनुभव लिख दिया, प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का सीजन, समय, कितना बीज बीजना चाहिए, बीजने से पहले कितनी बार उसकी जमीन की गुड़ाई करनी चाहिए, पहले फर्स्ट वाटरिंग किस समय देनी चाहिए, यानी प्रथम सिंचाई, ये सब लिख दिया। और अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरी मृत्यु के उपरांत यदि तू विचलित हो जावे तो मेरे इस अनुभव का लाभ उठाना, इसको तू डेली पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, इससे आपको ज्ञान होगा। तो धर्मदास जी वो किसान की मृत्यु के बाद, किसान का पुत्र
उसमें लिखे हुए पूरे अनुभव को डेली पढ़ता है। आज कुछ पढ़ लिया, अगले दिन कुछ पढ़ लिया, और वो किसान ने जैसे उसको बता लिख रखा है उसके अंदर, उसके अनुसार अपनी खेती नहीं बो रहा है, नहीं क्रिया कर रहा है, तो किसान का पुत्र क्या वो फसल प्राप्त कर सकता है? तो धर्मदास तड़ाक से जी बोला कि नहीं जी, कभी नहीं कर सकता। उसने तो अपने पिताजी के ने जो लिख कर दे रखे अपना अनुभव, उसको पढ़कर उसी तरह सारा कार्य करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा बोले, आपकी गीता जी में व्रत को मनाही की है, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में। अब धर्मदास जी का तो कंठस्थ याद थे, तो क्या है, क्या लिखा था उसमें? परमात्मा ने बताया है कि इसमें लिखा है, अर्जुन यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले का। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना। देखिएगा पवित्र गीता जी, इसके अनुवादक हैं श्री जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग यानी साधना भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात व्रत रखने वाले का, तथा न बहुत सोने वाले का और न ज़्यादा जागने वाले का सिद्ध होता है। अब परमात्मा बता रहे हैं कि जिस गीता जी को तो नित पढ़े और गीता जी में लिख रखा है व्रत नहीं करना, बिल्कुल ना खाना, व्रत करना। अब धर्मदास जी को जब जो ही ये बताया कि अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यह योग न तो बिल्कुल न खाने वाले का और न ज़्यादा खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना घना जागने वाले का सिद्ध होता है, सिद्ध नहीं होता ये। अब धर्मदास का तो कंठस्थ या थे श्लोक कर ये सारा कुछ, कहने लगे हाँ, तुरंत खोल कर देखी, वहीं साथ ले रखे थे सारे ये गीता जी को। तो अब एकदम सिर मारा, से सिर लाया, कहाँ बात तो ठीक है। एक बार ये दास सन 2004 में ऐसे राजस्थान के अंदर शहरों में, शहर शहर में जाके सत्संग कर रहे थे, तो उदयपुर शहर में हमने 4 दिन का सत्संग किया। तो उसमें हमने ऐसे प्रोजेक्टर नहीं था हमारे पास, टीवी था, और ऐसे कैमरे से हम उनको दिखा रहे थे गीता जी में, देखो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। सत्संग करने के बाद ये दास नीचे बैठ जाता था चारपाई पर, इसे 100-200 भगत आते थे, वो अपना कोई शंका समाधान कराते तो आ जाते। तो वहाँ 5-4 भक्त आ गए, उनमें से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। अब इस दास ने जो गीता जी का अनुवाद सुनाया, 2-3 दिन वो सुनते रहे, तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल MA संस्कृत, PhD और भी कई भक्त थे, उनमें से एक बहन नाम लेने की इच्छुक, तो कहने लगी जी मैं व्रत ना छोड़ दूँ एकादशी का। और मैंने कहा आप गीता जी को मानते हो? कहाँ जी, गीता जी का रोज पाठ करती हूँ। मैंने कहा बेटी 6 अध्याय का 16 श्लोक में ऐसे लिखा, मेरे बोलने से पहले उस बेटी ने वो संस्कृत में श्लोक सुना दिया। बोली हाँ जी सही लिख रखा, सुना भी दिया संस्कृत और उसका अनुवाद भी सुना दिया। तो मैंने कहा आपने यू घोट घोट रखा था, इसका पता नहीं था, इसमें इसका अर्थ क्या बनता है? वो बोली जी बात तो आपकी सही है। तो उसने तुरंत नाम ले लिया, एक वो बैठा था वहां पर प्रिंसिपल रिटायर्ड, वो कहने लगा जी आपने जो गीता जी का अनुवाद किया है ना, ओहो कमाल कर दिया। बोला ईसा तो मैं ऋषि दानंद ने भी नहीं किया। अरे तेरा मैं तेने किश्त तोल दिया, उसने क्या ही कहा ना मेरा था मैं ऋषि दानंद ने, कहा मैं ऋषि दानंद ने भी नहीं किया ऐसा था। मैं ठीक है भाई बालक सो तुम ही बह,
इतना तायत्री समझ में कि उसने कुछ 21 है बोला होगा दास। तो धर्मदास जी ने सुन लिया और पढ़ लिया और देख लिया, लेकिन वो अहम, वो अभिमान डाउन ना हुआ। फिर कहने लगा, मैं हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, अब उसने सोचा, धर्मदास जी ने यह सोचा था कि यो मुसलमान और ये मांस खाते हैं, और इसने हमारे सदग्रंथों को पढ़ कैसे लिया, कहाँ से इसने ज्ञान ग्रहण किया, तो बात तो बताओ सच्ची। परमात्मा बोले, सुन ले धर्मदास जी, जीव हिंसा की सुन ले, आप जीव हिंसा नहीं करते, आप कहाँ से चलकर आए हो कि बांधवगढ़ से, कितनी दूर है यहाँ से बांधवगढ़ के, 250 कोस लगभग, यानी 750-800 किलोमीटर, तो वहां से कैसे आए हो कि पैदल चल के आए हूं मैं, तो वहां से यहां तक आने में आपने कितने जीव मार दिए आपके पैरों तले कुचल कुचल के, और जिस जोड़ में तू कल्याणार्थ आया है स्नान करने के लिए इस तालाब में, इसमें कितने जीव जंतु हैं, देख तेरे इस लोटे में, वो जल का लोटा वहीं रखा था, आधा पानी बचा हुआ जल, कह लगे देख इसमें कितने जीव हैं, झांक इसके अंदर, और तूने स्नान करके इस जल में ऐसे लाखों जीवों का सत्यानाश कर दिया, और तू जीव हिंसा कहता, मैं जीव हिंसा नहीं करता, और जितने ये तूने ये लिपि है ना स्थान शुद्ध करने के लिए गोबर से और गारा से, इस स्थान में तने करोड़ों जीव मार दिए सूक्ष्म। अब धर्मदास ने सोची, भाई तो बड़ा निकम्मा आदमी टकराया सुबह सुबह, सारी उल्टी बात कह। फिर परमात्मा ने और भी बहुत सी ज्ञान बताया कि जैसे गीता जी के 7वें अध्याय को आपने पढ़ा, और 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक ने पढ़ के देखिए स्वामी जी, परमात्मा कहते धर्मदास जी को। अब देखियो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है, 7 का श्लोक नंबर 12 से 15। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें, मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसका अर्थ के है कि यू काल भगवान गीता ज्ञान दे रहा है अर्जुन को, और ये कह रहा है कि ये तो तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति, और तमगुण शिवजी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ, क्योंकि इसने ही इनको ड्यूटी दे रखी है, अपने स्वार्थवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को इसने खाना पड़ता है, अपने तीनों पुत्रों को ये विभाग बांट रखे, और ये कहता कि मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं, ये इनसे न्यारा है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है, इनको भी नहीं पता, वहाँ से इनको कंट्रोल करके और चला रहा है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होकर इस गीता जी के ये 4 श्लोक आपकी समझ में आओगे। देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। ये यहां से छपी है, सर्वाधिकार अधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, बंबई। इसके 3rd स्कंद में, या 3rd स्कंद प्रारंभ होता है, अथ श्रीमद देवी भागवते बासाटी का युक्ते, 3rd स्कंद है प्रारंभते। इस तीसरे स्कंद के
पांचवें अध्याय में यहाँ ग्यारहवें प्रश्न नंबर 11 पे अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 7 में शंकर 8 में शंकर भगवान कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, या संस्कृत देखो साथ में, यदि दयाधर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मुझे किस प्रकार बना दिया तमोगुण और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव और सुहित किमु सतोगुण हरि, विष्णु को हरि कहे, विष्णु को तूने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब यहाँ से शुरू होगा अभी ये सारा खेल। ये देखिए शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक हैं मुद्रक। इसके अब देखो 110 पृष्ठ पे ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये काल कहता है ज्योति निरंजन कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है ये इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं इन मैं नहीं, मैं इनसे न्यारा हूँ। ये देखिए ये है रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 और शिव महापुराण पृष्ठ 110 पे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव ये काल गुणातीत माने गए हैं। अब ये देखिए यहां पर अब प्रश्न नंबर 101 पे, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है दो सदा, चौथे नंबर चौथा है ये काल रूपी ब्रह्म, इससे हम इतना ही लेंगे ज्यादा नहीं। अब पढ़िएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 13 14 और 15। इसमें स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि देख धर्मदास तू के पूजा कर रहा है। अध्याय नंबर 7 का अब पढ़िएगा श्लोक नंबर 12, अब समझ में आओगे आपके। और भी जो सतोगुण विष्णु से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो सतोगुण से अर्थात विष्णु से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सती थी, और जो रजोगुण से सृष्टि यानी उत्पत्ति जीवों की, और तमोगुण से यानी संहार, इन सब को मुझसे ही, इन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। आज आगे देखो 13वें में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इन भावों से सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझ ब्रह्म को नहीं जानता, काल को नहीं जानता। चौथा देखो 14वां अध्याय 7 का श्लोक 14, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्भुत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैला गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो 15वां में, इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, इससे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो आसुर स्वभाव, आसुर माने राक्षस, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच
दूषित कर्म करने वाले मूड मुझको नहीं भजते। ओहो, अब धर्मदास का कलजा पैठ गया। रह तेरा गजब हो यो तो भाई गलत आदमी टकरा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है और परमात्मा कहते हैं देख तेरी गीता में लिख रखा है। अब कैसे ये असुर स्वभाव के कहे गए हैं। एक समय अरण्यकशिपु नामक एक साधक ने एक भक्त बनकर, एक ब्राह्मण कहो भक्त कहो संत कहो साधक कहो, एक ब्राह्मण रूप धार कर यानी एक संत रूप साधु रूप बना के ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की और उससे सिद्धि प्राप्त की और फिर अपने ही पुत्र प्रह्लाद का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया। कहते हैं एरना को छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा इसे कर्म कसाई, वो तो भगत कवावा था और फिर इसे जुलम करने लग गया। तो रजगुण ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, मनुष्यों में नीच जो अपने बेटे का भी दुश्मन बन गया। अब बताओ उसमें भी इस तक घटिया और के इंसान होगा। अब रावण ने रावण ब्राह्मण था भगत था, उसने साधना की शिव जी की तमोगुण शिव की सर्वविदित है, वह रावण राक्षस कहलाया और किसे जुल्म किए परस्त्री यानी त्रिलोक के अंदर जैसे दुर्गा है, दुर्गा त्रिलोक की जननी मानी जाती है और उसी का अंश लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही सीता रूप में आई हुई थी, अपनी ही माता का अपहरण किया पत्नी बनाने की चेष्टा की, तो कैसे दुष्कर्म किए राक्षस कहलाया, कुत्याली मौत मरिया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी के कैलाश पर्वत पर उसके मकान के सामने अपने महल के सामने शिवजी के महल के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके 12 वर्ष तक सिरासन पर तप किया। मन में के दोष था कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करके वचनबद्ध करके इसे ये भस्म कड़ा लूंगा, जो भस्म कड़े में ये गुण था जो भगवान शिव जी ने पहन रखा था एक कड़ा, कि किसी के सिर पे उस कड़े को ऐसा करके भस्म शब्द बोलते ही वो जला देता था, नष्ट कर देता था। उसके मन में ये था कि भस्म कड़ा भगवान शिव जी से लेकर के शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तप किया। पार्वती जी के प्रार्थना पर भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा कि महात्मा क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो प्रभु तब मांगू। भगवान शिव जी ने कहा भी ठीक है, वचनबद्ध हो गया, मांग के मांगता है कि ये कड़ा दे दो आपका भस्म कड़ा। भगवान शिव जी ने सोचा भी साधु संत है, जंगल में रहता है, कोई पशु पक्षी हिंसक पशुओं से बचने के लिए मांग रहा होगा, निकाल कर दे दिया अगले बच्चा। और जो ही उसके हाथ में कड़ा आया और खड़ा हो गया, कहने लगा ले ओले शंकर जी त्यार तुझे मारूंगा, हो होशियार तेरे को तेरी हत्या करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। शंकर भगवान ने बोला राजा दोस्त देखा भी तो बड़ा निकम्मा आदमी, युवती तेरे कर थारी बुद्धि दे कट है, रात में उकड़ा दिखा दिया शिव जी ने तो डांक ठोक दी। अब शिव जी भगवान आगे आगे और चेला वो उपासक पाछे पाछे, अब दोनों जाख खाट रहे थे जैसे झोटे के पीछे झोटा बाज लिया करे। अब पीछे आगे कहते हैं भगवान ने पार्वती रूप बना कर उस भस्मागिरी को रोक लिया। पार्वती को देखते ही भस्मागिरी रुक गया, भगवान शिव जी की स्पीड ज्यों की त्यों। अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में पार्वती ने कहा, भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि आओ डांस करेंगे, मुझे डांस करके दिखाओ। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु संत भगत तपस्वी हूँ, डांस करना मुझे नहीं आता। पार्वती बोली आजा मैं सिखाऊंगी तेरे थे, इस हाथ को ऐसे कर और उस कड़े ने चौकस ले रख दे, कोई ले जाए इसने कड़े नहीं रखा हाथ नीचे भी,
भस्म कड़े को, पार्वती के रूप में भगवान बोला इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को आगे कर, इस हाथ को उस पर ला और ऊपर कर और ऊपर कर। जब शर्पा लिया ना वो कड़ाने वाली भस्म, वो भस्मा गिरी मारा। अब वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर शिव जी का तमोगुण का उपासक, अपने भगवान के प्रति दुश्मन और अपनी माता को पत्नी बनाने के उद्देश्य से वो तप करया। अपने आत्माओं देखना ये गीता जी कितना गुण ज्ञान दे रही है। अब एक कॉमन उदाहरण देते हैं आपको। एक बार अर्की पैड़ी पे कुंभ का पर्व हुआ, जैसे ईब हुआ था 13-14 अप्रैल का, ऐसा एक कुंभ का पर्व हुआ, बहुत पहले की बात है। तो उसमें ये सारे गिरी पुरी नागा कनपाड़े ये शिव जी के उपासक और वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक, ये वहाँ स्नान करने के लिए अर्की पैड़ी पर उस पर भी मैं नहाने के लिए उद्देश्य से वहाँ पहुँच गए 2 दिन पहले, और सभी अलग अलग अपने अपने समुदायों में इकट्ठे हो गए। स्नान करते करने के समय उनका हेड तो आगे चलता है, वो पीछे पीछे स्नान करने के लिए चलते हैं, अलग अलग हजारों की संख्या में अपने अपने ग्रुप में। तो सबसे पहले नागा जाकर के हरकी पैड़ी पर नहाने की तैयारी करने लगे। पीछे से वैष्णो विष्णु जी के सतगुण विष्णु के उपासक वो आगे, उन्होंने कहा कि नागाओ तुम नंगे हो, तुम पहले मत नहाना, पहले हम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये नागा श्री विष्णु शंकर जी के उपासक तमोगुण के, वो कहने लगे नहीं हम पहले नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नीचा हैं, हम किसी वस्तु की चाह नहीं करते, हम वस्त्र भी नहीं रखते हैं। अब वैष्णो साधु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम नहाते ना टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फिरडो उल्टे हो जाओ, नहीं तुमने तुम्हारी खैर नहीं है। अब वो तमोगुण के उपासक उन पर इतनी टारकड़े उठे थी, जब वह मुंह फेर लिया अक आ जाओ पहले तुमने संवारेंगे। अब मुक्कम मुक्का लठम लट्टा बुड़कम बुड़का तलवार काट ली और तीर मारे और कर्द ठोकते एक दूसरे के, यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये तीनों गुणों के उपासक वहाँ कटका भर गए। भगवान भी भूल गए, वह पर बीबी गई बाड़ में और आपस में इतने कतलेआम हो गए, 25,000 मर गए कटके, वो गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश तैर तैर रही है उसमें। अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी जो गरीब महिमा गरीबदास जी को प्राप्त हुई, वो क्या बताते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा कर्द चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जग जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। के हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या, हर की पैड़ी कहो और वहाँ स्नान करने से मोक्ष मान रहे हो, भगवान का भय भी नहीं रहा ना परमात्मा में प्यार हुआ। हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, और कटे शीस नहीं दिल करुणा वो जुग में साध कुवावे हैं। शर यानी कतलेआम कर रहे हैं अरुण साधु महात्मा कहते हो तुम, ऐसे व्यक्तियों के तो दर्शन करने भी कोई भक्त जागा उनका शिष्य भी बन गया तो उनको भी नरक ले जाते हैं। अर्थात वो तीनों गुणों के उपासक अब के कर्म किया, गीता जी का ज्ञान फिर पढ़िए एक बार। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको फिर सुनाते हैं। ये देखिए 15वां श्लोक, इस त्रिगुणमयी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं ये माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इसे ऊपर उठ जाते हैं जो ब्रह्म साधना करते हैं। ये 14वें में है, 15वें में क्या लिखा है कि इस त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी के द्वारा ही जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे ऊपर वो किसी की साधना मानते ही नहीं, ना करते ना सुनने को तैयार।
इन्हीं की उपासना करते हैं, वो असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूड लोग मुझको नहीं भजते। क्योंकि अब भजने का, भजने के लिए कहा है तो इसकी से सिद्ध है कि ब्रह्म अब ये तीनों गुण भी भजने वाले हैं। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर कर ही दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, जैसे हमने लोक वेद के आधार से श्री राम, श्री कृष्ण जी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, इनको पूर्ण परमात्मा मान रखा था और इनके बारे में लोकवेद इतना सुन रखा था, एक से, दो से, हजार से, दस हजार से, लाखों से एक ही टाइप की कथा सुन रखी थी, तो हमें कोई डाउट नहीं था कि ये भगवान कौन है। हमें ये ज्ञान ये नहीं, ये भी कोई डाउट नहीं था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी कौन है। अविनाशी नहीं है, हम इससे भी ये कोई शक नहीं था, कोई शंका ही नहीं थी। तो उनके विषय में जिसने भी कोई जैसे सांगिया न सांग बनाए तो वह भी हमें अच्छे लगे। किसी ने कथा सुनाई सुदामा और कृष्ण की, वह भी अच्छी लगी। और किसी ने कैसा ही ज्ञान दे दिया इन भगवानों के बारे में, हमें नो ऑब्जेक्शन था और प्यार से सुनते थे, हाँ ऐसा ही है। अब हम श्री, अब विष्णु भगवान कबीर जी को परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए ये दो दो तीन तीन घंटे का सत्संग, ये प्रमाण ढेर सारे आपको दिखाने पड़ते। और इन सब को रह रहकर इसलिए दिखा रहा है ये दास कि आपको इतना रंग दूं आपके मन में नो ऑब्जेक्शन हो जाए कि कबीर भगवान कोई ना कोई नो कह, परमात्मा कबीर नहीं है, आप उनकी कति नहीं मानो। और एक बार जब यु ज्ञान पूरे जन जन तक पहुंच जाएगा फिर इस दास का यु काम हल्का हो जाएगा, फिर इन वेदों और पुराणों और इनके दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो एक साधारण से आपको प्रवचन किया करेंगे और सबके हृदय में ये समा जाएगा कि गुरु जी जो, महाराज जी जो बात करें वो सच्ची है। और अब ये है कि जो दास मौखिक सुनाता है तो लगता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और जब ये प्रमाण सामने करता है तो दांता तरह उंगली दबाते हो। अब धर्मदास जी ने सोचा कि भाई ये तो अच्छा नालायक टकराया सुबह सुबह और बात सारी सच्ची के, लेकिन वो अभिमान वश ना मानने, नहीं हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, हमारे गुरु जी ने बता रखा। अब गुरु जी ने तो उल्टा पेड़ा पढ़ा रखा, दो दूना छह पढ़ा रखा, तेरे तो ईब करके कैलकुलेशन देख ले। तो कहने लगे बाबा जी ए जिंदा तू गणा ना बोला, तने मेरा दिल दुखा दिया, तने पाप लगेगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बताता है। परमात्मा बोले भाई मैं ना बताता, ये तुम्हारे इतिहास बताओ इनके, देख देवी भागवत पढ़ के देख, तीसरे सकंद में पढ़ ले महात्मा जी, इस तुम्हारी देवी पुराण में देखिए। ये है देवी भागवत महापुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे अब लाला जी ने खोल लिया वो देवी भागवत और निकाला तीसरा सकंद 123 पृष्ठ। भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हें से उस उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, दुर्गा अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं विष्णु जी, हमारा आविर्भाव जन्म त्रोभाव अर्थात मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है, हमारा तो जन्म मृत्यु हो नाशवान है, केवल तुम ही नित हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तुमगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ।
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम केवल वर्क डन ही दे सकते हैं जो हमारे को आदेश दिया जाता है। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो दुर्गायन की माता ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब इस प्रकार उस प्यारी आत्मा पुण्य आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कहानी कथा सुनाई, और फिर ये लंबी कथा है लेकिन समय का अभाव हो गया, थोड़ा शॉर्ट कट मारना पड़ेगा। जब इस सारे ज्ञान को समझ गया वो धर्मदास, क्या कहा, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहू पद सेवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहू पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना देवल पूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मेरे और ना दूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मुरे और ना दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भू अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा ना करूं गुरु आने तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजे हो, धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो, यो आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो,
धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, यो आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, यो आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं कर हो पद सेवा हो। सत्साहे आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।